स्पार्टू मूवी एक के बाद एक बड़े अपडेट दे रही है और इन सभी अपडेट को देखकर तो लग रहा है कि पुष्पा 2 मूवी सभी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में मूवी का 3 मिनट का टीजर रिलीज किया गया था। इस टीजर को लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और जबरदस्त टीजर देखने के बाद अब देखने को मिलेगा इस मूवी का जबरदस्त आइटम सॉन्ग। वही टीजर में देखने को मिल रहा है कि पूरे शहर में पुलिस पुष्पा को ढूंढ रही है और किसी को नहीं पता कि पुष्पा अभी जिंदा है या फिर नहीं। लेकिन टीजर के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा अभी जिंदा है और किसी से बदला लेने की तैयारी में है। वहीं टीजर के रिलीज होने से पहले पुष्पा का एक नया लुक भी रिलीज किया गया था जिसमें वो काफी अलग लुक में देखने को मिले थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुष्पा का ये लुक कांतारा मूवी से इंस्पायर्ड है और लुक को देखकर तो लग भी रहा है। ओवरऑल पुष्पा 2 मूवी में हमें अल्लू अर्जुन के कई डिफरेंट लुक देखने को मिल सकते हैं और जैसा कि आप सबको पता है पुष्पा 2 मूवी अब की बार एक ग्लोबल मूवी होने वाली है। मूवी को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और पुष्पा मूवी के फर्स्ट पार्ट को जिस तरह से विदेशों में रिस्पांस मिला है वहां पर भी लोग इसके सेकंड पार्ट का काफी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। पर अभी हमें मूवी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और मेकर्स ने अभी तक मूवी की कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि पुष्पा 2 मूवी हमें 2023 के लास्ट में यानी कि दिसंबर में देखने को मिल सकती है और अब की बार तो मूवी का बजट काफी गुना बढ़ चुका है। जैसा कि आप सबको पता ही है पुष्पा का फर्स्ट पार्ट का बजट सिर्फ 50 करोड़ था और अब की बार मूवी का बजट लगभग 350 करोड़ के आसपास होने वाला है। यानी कि मूवी में हमें जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में हमें मूवी का ट्रेलर भी देखने को मिल सकता है जिसके बाद मूवी की स्टोरी को लेकर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब पुष्पा 2 मूवी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर।